हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर बिनोसी। इट्स मी रोहित कुमार। तो फ्रेंड्स, आप तो जानते होंगे कोई भी काम करने के दो तरीके होते हैं। एक पैसा इन्वेस्ट करके आप कोई भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, एक बिना पैसा इन्वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे बिना पैसा इन्वेस्ट किए अपना फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब कोई स्टार्ट करना चाहते हैं और कोई पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह चैनल बहुत बेस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक किस ऐसे तरीके के बारे में जिसमें आपको एक रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका जॉब स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कमाई से रिलेटेड एक ऐसे यूनिक तरीके के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में भारत के लोगों को बहुत ही कम पता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपको बिना एक पैसा इन्वेस्ट किए जॉब स्टार्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इंटरनेट तो आप सभी लोग चलाते होंगे, आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप पर कोई भी वेबसाइट हमेशा ओपन करते ही होंगे। अगर मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, कोई कोई वेबसाइट तो ऐसा रहता है जो आपको फर्स्ट पेज पे तुरंत खुल के मिल जाता है, लेकिन और सारे वेबसाइट ऐसे रहते हैं जो आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल पे बहुत देर में खुलते हैं। उसकी जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है। तो आप सोचते हो कि छोड़ो इसको, चलो चलते हैं दूसरे साइट को खोल लेते हैं। अगर वो स्लो वेबसाइट अमेरिका या फिर यूरोप की है, अगर उस कंपनी के मालिक को आप एक ईमेल डाल देते हैं कि आपकी वेबसाइट स्लो है, उसके साथ आप उनको लिंक अटैच करके दे सकते हैं और प्रूफ भी दे सकते हैं कि आपकी वेबसाइट स्लो है, इसको आप फास्ट करा लीजिए। तो इसके लिए आपको वो कंपनी मालिक वेबसाइट फास्ट कराने के $300-400 आराम से दे देगी। आप में से कुछ ज़्यादातर लोग तो ये सोच रहे होंगे कि हमें तो वेबसाइट की स्पीड फास्ट कराने आती ही नहीं है, या फिर फास्ट हम कैसे करेंगे, इस काम को कैसे करेंगे। तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमको अच्छी तरीके से आता है। मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके साफ साफ दिखा दूंगा। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली करके कि आपको स्लो साइट कहाँ से ढूंढनी है और आपको स्लो साइट की ईमेल आईडी कैसे निकालनी है उस कंपनी की, और उस कंपनी को एक ईमेल कर देनी है कि आपकी साइट बहुत स्लो है, इसको आपको फास्ट कराने की जरूरत है, और ईमेल किस भाषा में लिखना है, कैसे लिखना है, सब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो प्रोफेशनल लोग कहाँ से मिलेंगे जो आपको इंटरनेट की जो उनकी साइट की स्पीड है उसको फास्ट करके आपको दे दें। वो भी आप इस मोबाइल से ही पा सकते हैं उन लोगों को। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि वो प्रोफेशनल लोग आपको कैसे मिलेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल से बिना एक पैसा खर्च किए आपको प्रोफेशनल लोग मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, जो वेबसाइट की स्पीड चेक करने वाली टूल्स है उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप हमारे गूगल पे देख पा रहे होंगे, सर्च बार में हमने डाला है पेज स्पीड इनसाइट, जो कि एक खुद गूगल कंपनी हमें खुद प्रोवाइड करवाती है कि हम किसी भी साइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा है पेज स्पीड इनसाइट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फिर से, ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, यानी कि गूगल हमें खुद प्रोवाइड किया है कि इसकी स्पीड किसी भी साइट की स्पीड कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से कि आप इस साइट को खुद खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस साइट को डेस्कटॉप वर्जन पर खोल लेना है, क्योंकि बहुत सारे भाई को ये प्रॉब्लम आती है कि ये मोबाइल में नहीं चलता। तो मैं आपको बताता हूँ डेस्कटॉप पर कैसे खोलना है। आपको सिंपली यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से तीसरे नंबर के ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये साइट जो है आपको डेस्कटॉप साइट में खुल जाएगा। उसके बाद आपको दोनों फिंगर से इसको जूम कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, हम वेबसाइट का जो स्पीड है यहाँ से चेक कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें वो वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी जिसकी कम स्पीड है, और हम उसको चेक करके उसे कंपनी में ऑफ़र देंगे। कंपनी को ईमेल करके ये ऑफ़र देंगे कि आपकी स्पीड कम है, आप अपनी स्पीड बढ़वा लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तो वेबसाइट की स्पीड तो चेक कर लेंगे, फिर उससे पहले हमको ये मालूम रहना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट है जिसकी स्पीड बहुत कम है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमको गूगल पे। गूगल पर जाकर अब हमें सोचना है कि वो हम कौन सी कंपनियों को की वेबसाइट खोलें जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो और जिस कंपनियों में बहुत ज़्यादा पैसे हों। तो फ्रेंड्स, जनरली हमको यूएसए और यूरोप की जो साइट्स हैं उनको टारगेट करके चलना है, क्योंकि इन्हीं देशों में पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी कंपनियाँ पैसे बहुत ज़्यादा देती हैं। और तो और बात करें तो भारत या फिर बाकी और सारे देशों में पैसे होते हैं, लेकिन ये पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये एक इंडियन मेंटेलिटी होती है, लेकिन यूएसए में लोग पैसा खर्च करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो इसी सोच का आपको फ़ायदा उठाना है दोस्तों। तो हमें वो वेबसाइट ढूंढनी है जो यूरोप और अमेरिका की हो। और दूसरी बात हमें ये याद रखनी है
कि हमें कौन सी वेबसाइट ढूंढनी है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, जिसको बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता हो। जैसे अमेरिका और यूरोप का बात हम बता दें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान सब लोग रहते हैं फिटनेस से लेके। फिटनेस तो फ्रेंड्स आपको सिंपली गूगल के सर्च बार में कर देना है फिटनेस साइट इन यूएसए। तो देखिए हम सर्च कर देते हैं फिर फिटनेस आपका साइट मसाज इन फिर यूरोप सर्च। सर्च कर लेते हैं। तो हमने जब फिटनेस साइट इन यूरोप सर्च कर लिया तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमको जो फर्स्ट पेज की साइट है उसको ओपन नहीं करनी है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इतनी फास्ट है कि सर्च करते सबसे फर्स्ट पेज पे आते हैं। फर्स्ट पेज की भी साइट नहीं करनी है और 8-10 पेज तक हमको नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स कि आपको मोर रिजल्ट पे क्लिक कर देना है, हमारा दूसरा पेज खुल जाएगा, उसके बाद आपको नीचे जाके फिर और कर देना है। ऐसे ऐसे करके हम 8-10 पेज ऐसे खोल देंगे, क्योंकि 8-10 पेज के बाद ही हमको जो स्लो साइट होंगी वही मिलेंगी, नहीं तो और सब सारे साइट तो फास्ट हैं। आपको नेक्स्ट करते जाना है, यहाँ पे नेक्स्ट करते करते आपको 8-10 पेज तक जाना है। हमें उन साइट पर जाना है जो पीछे हो, क्योंकि जो पीछे साइट रहेंगी वही स्लो रहेंगी। तो फ्रेंड चलिए हम नेक्स्ट करते जाते हैं, यही ट्रिक है जो स्लो साइट को आप खोज पाएंगे। अगर आप गूगल के 1 या 2 पेज की कंपनियों को साइट को ईमेल करते हैं तो आपसे बोलेंगे कि भाई मेरी तो साइट पहले से ही तेज है, हम क्या अब इससे कितना तेज कराएंगे, फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे उनकी वेबसाइट खुद ही आ जाती है। तो इसके लिए आपको लास्ट की तरफ चले जाना, जितना नीचे आप हो सके उतने नीचे जा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 18वें पेज पे से एक लिंक को ओपन कर लिया है। अब लिंक को ओपन करने के बाद हम इसको देख आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक लिंक को ओपन कर लिया है। इसके लिए आपको इसके सिर्फ जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लेनी है। चलिए इसके लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं इसको, उसके बाद इसको हम पेज पे स्पीड इसकी चेक करके देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पेज पे, पेज इनसाइट पे आप आ गए हैं। तो फ्रेंड्स इस लिंक को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, इसके ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालाइज का ऑप्शन है, यहाँ पर हम उसको कॉपी कर देंगे, उसके बाद इसके स्पीड को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इसको एनालाइज करा देंगे। तो आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है फ्रेंड्स, आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना समय लगेगा। यहाँ पर एनालाइज के बाद आपको स्पीड दिखा देगा, मोबाइल का स्पीड अलग दिखाता है और जो डेस्कटॉप होते हैं उनकी स्पीड अलग दिखाते हैं। तो चलिए इसको वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा नेट थोड़ा स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड 13 दिखा चुका है, जो स्पीड है 13 वो बहुत कम है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 0 to 49 जो है वो रेड रेड है, मतलब बहुत लो है। ऑरेंज है 50 से 89 तक, वो जो है मॉडरेट है। उसके बाद ग्रीन है जो बहुत फास्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेड और जो ऑरेंज है ये दोनों को फास्ट कराने की ज़रूरत है, और जो 90 से 100 के बीच में है उनको कोई ज़रूरत नहीं है स्पीड फास्ट कराने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप तो ये मोबाइल की देख पा रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं डेस्कटॉप की। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको डेस्कटॉप की भी ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हम डेस्कटॉप की ओपन करते हैं। तो डेस्कटॉप पे आप इसका देख सकते हैं स्पीड 62 है, इसका मतलब इसका स्पीड बहुत अच्छा है डेस्कटॉप पे, उसके मोबाइल के अपेक्षा तो इसको बहुत ज़्यादा है स्पीड, इसके मॉडरेट में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको फास्ट कराने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इसको नीचे करके देख सकते हैं, देख लेते हैं और कुछ सब चीज़ों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं आपके सारे डेटा दे देगा पेज से रिलेटेड, कि आपको पेज की स्पीड कितनी है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में अगर कोई खोलता है तो उसकी स्पीड 1.3 पर सेकेंड है, तो मतलब कि 1.3 सेकेंड ये लेता है खुलने के लिए, लेकिन इसमें कुछ मिनी सेकेंड लेने चाहिए जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा है 1.3 सेकेंड। तो ये सब चीज़ें हमको कोई काम की नहीं, इसको सिर्फ कॉपी कर लेना और ईमेल के साथ पेस्ट करके सेंड कर देना है क्लाइंट को, कि क्लाइंट के पास ये प्रूफ पहुंच जाए कि उसके साइट की जो स्पीड है वो बहुत कम है। तो फ्रेंड्स क्लाइंट को आपको ईमेल कर देना है कि आपकी स्पीड इतनी कम है, इसको हम फास्ट करा दे देंगे, आप हमको कुछ पैसे दे दीजिएगा। आप कुछ डॉलर, 300-400 डॉलर आराम से मांग सकते हैं उनसे स्पीड फास्ट कराने की। तो यहाँ पर आप जितने भी इंफॉर्मेशन इसके कॉपी पेस्ट किए हैं उसको डायरेक्ट वहाँ ईमेल में पेस्ट कर दीजिएगा, और स्क्रीनशॉट जो लिए हैं उसको स्क्रीनशॉट को ईमेल में अटैच करके आप सेंड कर सकते हैं। और तो फ्रेंड चलिए तब अपने चलते हैं वेबसाइट पे और वहाँ से आपको बताते हैं ईमेल कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वापस आ जाते हैं अपने साइट पर। अब यहाँ से हमें इनके ईमेल आईडी निकाल लेने, ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको निकाल के रख लेने हैं, ताकि आप इनको ईमेल कर सकें, आप इनको बता सकें कि आपकी जो साइट है उसकी स्पीड बहुत कम है, आपको फास्ट कराने की ज़रूरत है, आप हमें इतने पैसे दे दीजिएगा हम आपको फास्ट करके दे देंगे। तो यहाँ पर जो क्लाइंट की डिटेल है वो आपको कॉन्टेक्ट अस करके ऑप्शन होता है वहीं पर से मिल जाएगा। ये जनरली सभी साइट पर सेम आता है, वैसे ही करके कॉन्टेक्ट अस करके सभी
जगह पे रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और आपको नीचे भी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं इसमें के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस करके यहाँ पर सारी डिटेल है, ईमेल, इनकी ईमेल भी है, फ़ोन नंबर भी है। आपको ईमेल ले लेना है क्योंकि आपको ईमेल से सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके सेंड करना है, आपको स्क्रीन शॉट और जो कॉपी पेस्ट किए हैं स्पीच से रिलेटेड डेटा को सारी चीज़ों को सेंड करना है। तो हम इनके ईमेल आईडी को भी कॉपी कर लेंगे, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आजकल तो इंटरनेशनल कॉल बहुत ही सस्ती हैं, तो आप किसी भी नेटवर्क से इन्हें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप जियो या फिर एयरटेल कोई भी कंपनी यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड आपको बैलेंस ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ईमेल फ्री में कर लेनी है। आप जो कॉन्टेक्ट करने जाएंगे इंटरनेशनल कॉलिंग रहेगी उस पर आपको बैलेंस अप्लाई करने ही होंगे। तो फ्रेंड जैसे इस तरीके से हमने आपको इस साइट को निकाल के दिखाई है, वैसे ही और बहुत सारी साइट को सर्च करके और उनके बारे में उनसे कांटेक्ट आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस साइट का जो स्पीड है आप कैसे तेज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक ऐप्स का। तो चलिए हम आपको ऐप्स को दिखा देते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक OLX इंडिया नेम की ऐप्स की, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको फ्री में गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई भी ऐड यहाँ पर फ्री में डाल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के प्रचार कर सकते हैं यहाँ पर फ्री में वो भी। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको जो ऐड है वो फ्री में हो जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं इस ऐप्स को ओपन करता हूँ और यूज करके बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। तो पहले हम OLX को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ पर आपको सेल का बटन दिखेगा, आपको डायरेक्टली सेल कर देना है। आप सेल पर क्लिक कर देंगे तो आपको पोस्ट न्यू ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आप न्यू ऐड पोस्ट करने के लिए क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार, मोबाइल, बाइक्स, ये सब आपको सेल करने के लिए ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन आपको सेल तो करने नहीं है, आपको ज़रूरत है एक वेब डेवलपर की। तो इसके लिए आपको ऐड यहाँ पर डालना पड़ेगा, ऐड के लिए आपको करना होगा, मोर कैटेगरी में आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे, कई सारे जॉब्स, कार, फर्नीचर के बारे में ऑप्शन मिल जाएंगे, आप या खरीदें या फिर सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जॉब के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे को अदर जॉब पर क्लिक कर देना है। देखिए हमने अदर जॉब पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ से आपको सैलरी पूछने लगेगा। तो सैलरी में आपको क्या करना है, तो देखिए आपको जो एक सैलरी देनी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर हमें किसी पर्सन से डील करनी है, और हम यहाँ पर जो काम करेंगे उसके जो सैलरी मिलेंगे उसके कुछ हिस्से को हम ऐप डेवलपर को देंगे। तो इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर सैलरी देने हैं, तो ये मंथली आपके लिए बहुत अच्छी पड़ेगी। तो आपको सिंपली मंथली पर क्लिक कर देना है, मंथली चूज कर लेनी है, क्योंकि जो सैलरी है वो सबसे अच्छी मंथली पे ही पड़ेगी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर कहीं काम करते हैं। तो पोजीशन पूछेगा, तो पोजीशन के लिए आपको क्या करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने हैं, तो इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट डाल देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा सैलरी की जो कितनी लिमिटेशन होना चाहिए, तो आप डाल दीजिए, जैसे कि हम डेवलपर को देना चाहते हैं 10,000 से लेकर 15,000 के बीच तक दे सकते हैं हम डेवलपर को, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 10,000 से 15,000 तक। अब फ्रेंड्स अब आपसे पूछेगा कि इसके टाइटल क्या होने वाले हैं, तो आप किसके लिए ऐड डालने हैं वो आपको लिखने हैं। तो इसके टाइटल हमको डाल देने हैं वेब डेवलपर, तो हम डाल देते हैं। देख सकते हैं हमने वेब डेवलपर लिख दिया। तो आपको इसके बाद डिस्क्राइब करने का ऑप्शन आएगा कि आपके ऐड कहीं दिखाते हैं, तो उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ना कि आपको क्या करना है, किस लिए ऐड लेना है, वही आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्राइब कर लीजिएगा आप, हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि आई नीड अ डेवलप ऐप डेवलपर। तो फ्रेंड्स हमारे जो फॉर्म है यहाँ पर आप कुछ डिटेल दे देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप कुछ डिटेल दे देंगे दोस्तों अपने ऐड के बारे में डिटेल देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ डिटेल दे देंगे दोस्तों अपने ऐड के बारे में डिटेल देनी है, जैसे कि हमने दे दिया थोड़ा सा आई नीड अ वेब डेवलपर। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मांगेगा कि आप
जो ऐड डालने हैं वहाँ पे आप कौन सी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको एक फ़ोटो बना लेना होगा पहले से, कि जैसे आई नीड वेब डेवलपर, आपको ऐड से रिलेटेड एक फ़ोटो डाल देनी है। जैसे हम कोई भी फ़ोटो यहाँ पर डाल देते हैं, ले लेते हैं, उसको आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो लोकेशन होगा वो अपने आप ये ट्रैक कर लेगा। आप चाहें तो उसके लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये ट्रैक कर लिया, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका नंबर मांगेगा, नेम मांगेगा और नंबर मांगेगा। तो फ्रेंड्स नेम के लिए आप अपना नेम डाल सकते हैं। जैसे हम डाल देते हैं अपना नेम, मिस्टर विध्वंसी करके डाल देते हैं अपने चैनल का नाम, जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो नाम है और ये जो नंबर है, ये इसलिए मांगता है जब आपको वो आपके ऐड जाएंगे वहाँ पे, तो आपके जो वेब डेवलपर होंगे वो इस ऐड को देखेंगे, तो इसी ऐड को ओपन करने के बाद आपके जो ये नंबर और नेम होंगे इसी से आपको कांटेक्ट करेंगे कि हम आपकी स्पीड तेज करके दे सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको राइट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पोस्ट नाउ का ऑप्शन आ जाता है, आपको डायरेक्ट पोस्ट कर देना। ये बिल्कुल फ्री में आपके पोस्ट हो जाएंगे, लाइव चले जाएंगे आपके OLX ऐप पे और वहाँ पे शो होने लगेंगे, जो कि आपके ऐप डेवलपर देख पाएंगे और वहाँ से आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमको, हम तो अब पोस्ट नाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पोस्ट नाउ कर देंगे तो हमारे ये जो ऐड है वो डायरेक्ट चलने लगेंगे। तो इसके लिए हम बैक कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, कमाई करने के वही तरीके सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं जो सबसे यूनिक होते हैं। अगर आपको लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो आप इस काम को ज़रूर करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप अपना थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का जो टाइम होता है उसको इस काम में लगा दीजिए, आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने टाइम को इस पर दीजिए, स्पेंड करिए थोड़ा सा टाइम इस पे काम करिए, आपको बहुत अच्छी खासी अर्निंग होंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब या फिर काम स्टार्ट कर सकें, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना एक पैसे लगाएं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पर आपको एक से एक वीडियो देंगे जिसमें आप बिना एक पैसे लगाए अपने पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं।